हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल दीमटेक में। एंड इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी J5 के बारे में। ये एक पुराना फ़ोन है, मुझे मालूम है। यहां पे आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी J5 के बारे में सभी स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स एंड प्राइस बताने वाला हूं, क्योंकि इसके रिलेटेड सर्च बहुत हो रहा है यहां पे। तो मैंने सोचा आप सभी को जो है सैमसंग गैलेक्सी J5 के वीडियो को बना के दे दिया जाए। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी J5 है, इसकी सभी स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स एंड सभी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स एंड प्राइस सभी चीज़ें आपको अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे जो फ़ोन है ये सैमसंग की तरफ से आता है, गैलेक्सी J5 है। एंड ये जो है आपको 2006 मॉडल या फिर 2015 के आसपास जो है लॉन्च हुआ था ये। एंड इसमें आपको ब्रिलियंट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पे अगर आप जो है चीज़ों को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो J5 में आपको इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। 5 इंच की HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको शार्प एंड डिटेल पिक्चर्स देखने को मिलेगी ब्रिलियंट क्लैरिटी के साथ। एंड लाइफ लाइक कलर्स इस डिवाइस पर आप देख पाएंगे। इसमें आपको एस बाइक मोड भी मिलता है, तो अगर आप जो है बाइक चला रहे हैं तो यहाँ पे आप इस एस बाइक मोड को ऑन रख सकते हैं, तो जो है आपका आपकी ड्राइविंग सेफ हो जाती है। एंड जो कॉलर है उसको भी मालूम पड़ेगा कि आप जो है बाइक चला रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे अर्जेंट कॉल है तो उसके लिए भी अगर कॉलर एक प्रेस करता है तो यहाँ पे इमीडिएट अटेंशन आपको जो है यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगी आपको अर्जेंट कॉल की। तो यहाँ पे जो है सेफ्टी अच्छी हो जाती है। इससे फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है आपको इस फ़ोन में, 64 बिट का 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का जो है यहाँ पे जो स्पीड है इसकी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलेगा, 1.5 GB की रैम है एंड लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलती है। आप जो है एप्लीकेशंस को आराम से यहाँ पे मल्टीटास्किंग में यूज़ कर सकते हैं, गेम्स भी आप जो है यहाँ पे अच्छे से खेल पाएंगे। एड्रीनोस 306 का GPU मिलता है, एंड्रॉयड लॉलीपॉप है। पर आप जो है इस फ़ोन को जो है इस जनरेशन के फ़ोन से अभी जो 2020 चल रहा है यहाँ तक जो फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उसके साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो पुराना प्रोसेसर है एंड 1.5 GB की रैम है। एंड यहाँ पे जो है एड्रीनो 306 GPU है, तो ये जो है आप आराम से, मैं नहीं कहूँगा कि गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर जो है इजीली आप बहुत ही कम यूसेज के लिए, कॉल्स वगैरह के लिए, यूट्यूब के लिए जो है ये फ़ोन जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी भी बहुत लोग जो है सैमसंग गैलेक्सी J5 यूज़ करते हैं। कैमरा जो है इसकी 13 MP का आपको रेयर कैमरा मिलेगा, जो कि फ्लैश लाइट के साथ आता है। एंड स्पीकर भी आपको पीछे देखने को मिलेगा, 5 MP का फ्रंट कैमरा है सेल्फीज़ के लिए। एंड यहाँ पे आपको FHD का भी सपोर्ट मिलता है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं फुल HD में। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 4G LTE का सपोर्ट मिलेगा, डुअल सिम आप लगा सकते हैं, 150 MBPS यहाँ पे डेटा स्पीड अचीव कर सकते हैं। इसमें जो बैटरी मिलती है वो 2600 mAh की बैटरी है। एंड स्टोरेज जो है वो 8 GB का है, 128 GB तक आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगा के। तो देखा जाए तो आपको बॉक्स के साथ क्या मिलता है वो बताऊं पहले। तो हैंडसेट के साथ जब आप जो है फ़ोन खरीदेंगे, ट्रैवल एडाप्टर मिल जाएगा, डेटा केबल मिलेगा, हेडफोन्स मिलेंगे, आपको बैटरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है बैटरी आपको रिमूव करके जो है रिमूव भी कर सकते हैं, फिर लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैटरी भी इसके साथ मिलती है। एंड यहाँ पे वाइट कलर ऑप्शंस में आता है ये, और भी ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है इसका। एंड डुअल सिम आप लगा सकते हैं यहाँ पे। एंड साउंड एनहेंसमेंट्स में आपको जो है इफेक्ट पैनल मिलता है, आप जो है कॉन्सर्ट हॉल मोड पे चला सकते हैं। इक्वलाइजर मिलता है आपको, 3D बेस बूस्ट या फिर क्लैरिटी कस्टम मोड्स पे आप लगा सकते हैं। एंड जो इसका डिस्प्ले है वो 5 इंच का है, जिसके रेजोल्यूशन 1280x720 पिक्सल्स की है। एंड यहाँ पे HD रेजोल्यूशन है, सुपर एमोलेड का जो है डिस्प्ले मिलता है आपको। एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1 पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। क्वालकॉम का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा, एंड जो है 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 1.5 GB की रैम है। एंड जो है कैमरा फीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, जो कि 13 MP का आपको जो मेन कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फुल HD रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 1920x1080 पिक्सल्स वाली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। एंड यहाँ पे जो है आपको कॉल डाइवर्ट, कॉल वेट होल्ड वाले ऑप्शंस भी मिलते हैं। 3G 4G 2G सभी सपोर्टेड है नेटवर्क्स। आप चाहे तो इसमें जो है यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट लगा के आप चार्ज कर सकते हैं इसे किसी भी चार्जर से, वो भी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है आपको, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है। वाईफाई यहाँ पे तो मिलता ही है आपको। हेडफोन जैक भी मिलता है,
मैप में आपको गूगल मैप्स का सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे जो माइक्रो सिम आप लगा सकते हैं रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है। सेंसर्स में आपको एक्सेलरोमीटर, हॉल सेंसर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है। या फिर हम रेडियो का भी सपोर्ट है। एंड इसका जो वेट का जो फ़ोन का वेट है वो 146 ग्राम्स का है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग का एक पुराना फ़ोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J5। अगर आप जो इस फ़ोन को यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप जो इस फ़ोन को यूज़ करते हैं। अभी भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। एंड इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट पे तो अभी 11,390 रुपीज़ दिखा रहा है, पर आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में अगर ये अवेलेबल होगा तो आप इसे वहाँ से परचेस करेंगे तो अराउंड जो है मेरे हिसाब से 6-7,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये फ़ोन, मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताइए। शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए क्यों पसंद नहीं आया, मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बस इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।